हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये ब्लैक फंगस है क्या, इसके कारण से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा खतरा है इस ब्लैक फंगस से, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस, जिसको कि अंग्रेजी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूक्रोमाइकोसिस भी कहते हैं, ये बेसिकली एक फंगस ही है। जैसे आपने घर में कभी रोटी या ब्रेड भी रखी होगी तो जो पुरानी हो जाती है उसके ऊपर जो फंगस लगता है, जिसको कि हिंदी में फफूंद कहते हैं, ये उसी का एक प्रकार होता है। अब ये फैलता कैसे है, तो आसपास में जहाँ पर भी कहीं सड़े गले ऐसे कुछ खाने का सामान या फिर कोई जानवर यदि मर जाता है तो उसके पास जितने भी जो चीज़ें होती हैं उससे इसको फैलने में मदद मिलती है। और इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स जिसे इसको आप समझ सकते हैं, जैसे राई का एक दाना होता है, उसी तरीके के छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, वो इतने हल्के होते हैं कि वह हवा के साथ साथ हवा में यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो आप आंखों से नहीं देख सकते हम लोग उसको। और इसी के कारण से कि ये एक फंगस फैमिली होती है जिसको बोलते हैं म्यूकोमाइसिटिस, उसका एक मेंबर होता है, उसी की एक स्पीशीज़ होती है। अब हम जानते हैं कि ये फैलता कैसे है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो ये ऐसे पेशेंट में फैलता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो आप जानते हैं कि कोविड की जो दूसरी लहर है उसमें इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा खतरा इम्यूनिटी को होता है, और ऐसे पेशेंट जिनको कि कोविड हो चुका होता है, दे आर हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। दूसरी, ऐसे लोग जो कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और साथ ही साथ में उनको डायबिटीज़ है, साथ ही साथ में उनको अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस और दूसरी भी बीमारियां हैं जिसके साथ में कि उनको एंटीवायरल या स्टीरॉयड या एंटी डायबिटिक ऐसी इस टाइप की जो दवाइयां चल रही हैं, उनको इसका ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये पेशेंट वो होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी होती है। और अब इसके लक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो अगर आपको सेकेंड वेव में कोविड का इन्फेक्शन हुआ है या आप उससे रिकवर हो चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बाद में आपको कभी अचानक से हेडेक होता है, या कभी कभी आपको रेस्पिरेशन में या सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसका सीधा अटैक जो होता है ये नाक से जाता है, इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं, और ये नाक से जाने के बाद सीधे लंग के ऊपर अटैक करता है, या जो आपके फेफड़े हैं जिससे कि आप सांस लेते हैं उसके ऊपर इसका अटैक होता है। और तीसरा इसके लक्षण है कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है लोगों की, जो मानसिक जो संतुलन है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, तो अचानक कोई चिड़चिड़ापन किसी के व्यवहार में अचानक सा बदलाव आए तो ये एक उसका सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा किसी को आंखों की समस्या भी होती है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और या अचानक से कुछ समस्या हो सकती है, तो इचिंग की जो शिकायत है आंखों में बहुत ज़्यादा अगर होती है तो ये इसके एक लक्षण हो सकते हैं। तो इस लक्षण के अलावा अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो चुके होते हैं, तो इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी जो इसकी जो मृत्यु दर है, अगर मान लीजिए ये 100 पेशेंट को होता है, 100 मरीजों को ये समस्या होती है, ये फंगस इन्फेक्शन होता है, तो उसमें से तकरीबन 50% लोगों की डेथ हो चुकी होती है। तो ये बहुत फैटल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है ये ब्लैक फंगस। तो अब हम जानते हैं कि इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो याद रखिए कि ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, या जो स्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर हैं, जो डायबिटिक थेरेपी के ऊपर हैं, या साथ ही साथ में उनको एंटीवायरल स्पेशली जो दवाइयां चल रही हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ वायरल इन्फेक्शन है, तो ये जो इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं ये जा करके अपने होस्ट के पास जाते हैं और फर्दर उसको जो है वो ग्रो करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं उनको इसकी ज़्यादा समस्या हो सकती है और उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर जितनी भी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस म्यूक्रोमाइकोसिस, अगर आप देखें ये काले फंगस के कारण, तो उसमें से 60-70% वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन सारे मेडिकेशंस के ऊपर या दवाइयों के ऊपर थे, या उनको ये सारी दवाइयाँ चल रही थी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि ये सारी बीमारियों की दवाइयां ले रहे हैं, या जिनको कोविड से जो रिकवर हो चुके होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जहां पर कहीं भी इस तरीके का सड़ा गला या इस तरीके के आसपास में गंदगी हो, उससे बचें, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
इम्यूनिटी बूस्टर लेना बहुत जरूरी है। तो जिंक, विटामिन सी और बाकी जो मल्टीविटामिन्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें वो लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में जो भी आपका डेली जो मेडिकेशन चल रहा है, अगर आप डायबिटीज पे हैं तो वो दवाइयां समय पर लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप लोगों के संपर्क में कम से कम आए। हालांकि ये जो ब्लैक फंगस है ये वायु के माध्यम से या हवा के माध्यम से फैलता है, तो भी ऐसे पेशेंट जिनको कि ये इन्फेक्शन हो चुका होता है तो फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इसके अलावा कि अगर आप मान लीजिए स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं या बाकी थेरेपी पे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसके लक्षण ऐसा कुछ पता चलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए कि इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्दर जो एंटी फंगल जो ड्रग होती है वो इसके लिए बहुत कारगर साबित होती है। इसके लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। और मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आप सुबह सोकर के उठते हैं तो उसके पहले यदि इसको आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये दूध में अगर आप हल्दी डाल करके लें या तुलसी लौंग और इस तरीके की चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको काले फंगस या ब्लैक फंगस से बचाने में मददगार साबित हो सकेगा। अपना ध्यान रखिए। कोविड के ऊपर मेरे कई सारे वीडियो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर कई सारे वीडियो सीरीज पूरी बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि उसको ध्यान से देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए और पॉजिटिव रहिए। सुबह उठ करके योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अच्छी चीज़ों को सुनिए और अच्छे वीडियो देखिए ताकि आप पॉजिटिव बने रहें और आपकी इम्यूनिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी आपकी इंटरनल इम्यूनिटी होती है जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो अच्छा महसूस कीजिए। और इसके साथ मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।